इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 76 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। आप लोग अपनी स्पीड को लेकर के यदि परेशान है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो की किसी भी स्टूडेंट को आउटलाइनों की आवश्यकता हो तो आपको एडवांस आउटलाइनें मिल जाएंगी। इनकी बुक की आवश्यकता है तो बुक भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और यदि आप इनको पूरा शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करके लेना चाहते हैं, यानी कि पूरी इसकी गाइड लेना चाहते हैं दोनों पार्टों की, तो आपको गाइड भी मिल जाएंगी। घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है, मानो की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाएंगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं, और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष हैं। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया है। इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं, इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित कथनों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयम भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। पैराचेंज। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूंगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि
हम निराश न हों, हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए, फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।